वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला उदय सामंत सर की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है, जो लाइव कॉन्फ्रेंस किया गया है माइक कोकन की तरफ से, वहां पर उन्होंने कुछ चीजों के बारे में क्लियर पॉइंट किया है। उन्होंने कहा है कि जो ये पॉइंट है एजुकेशन का या फाइनल ईयर का पॉइंट है, उसको कुछ ज्यादा ही खींचा जा रहा है। हमने पहले ही क्लियर किया है कि जो भी डिसीजन लिया गया वो विदाउट कंसल्टेंसी नहीं लिया गया। सारे वाइस चांसलर्स के साथ मीटिंग की गई है सीएमओ की, और हमारे साथ सबकी मीटिंग हुई है। मीटिंग में सारी चीजें डिस्कस हुई थी, जिसके बाद सीएमओ ने 31 मई के रात को अनाउंसमेंट किया था कि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑन एन एवरेज मार्क्स हम देंगे, और इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मार्क्स तो वो इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं। उन्होंने क्लियर किया कि इसमें पूरा का पूरा बैच बैठेगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद ही आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम होने वाला है। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि पिछले 10-12 दिनों से किसी भी तरीके का ऑफिशियल की तरफ से ट्वीट ना आने की वजह से बच्चों के अंदर कंफ्यूजन का माहौल जानबूझकर क्रिएट किया गया, क्योंकि हम सभी लोग कोकण में आए हुए चक्रवात की कंपेंसेशन के लिए, मुआयने के लिए हम लोग बिजी थे, जिस वजह से हम इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। मुझे पता है ये मुद्दा बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पर लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ तो हमें उनको पहली प्रायोरिटी देनी पड़ी। लेकिन अब यहाँ पर मैं खुद मुंबई आने वाला हूँ, जैसा कि आपको पता है राज्यपाल महोदय मुंबई में है, सारे के सारे वाइस चांसलर्स मुंबई में है, और जितने भी कंसर्न अथॉरिटीज है वो भी मुंबई में है, और उदय सामंत सर कोकण में है, तो वो कॉन्टैक्ट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि मैं 1-2 दिन में खुद वहां आऊंगा, वहां पे सबकी मीटिंग लूंगा, सबसे कंसल्टेंसी होगा, लीगल ओपिनियन लिया जाएगा। लीगल ओपिनियन लेने का मेन मकसद हमारा यही है कि आपको किसी भी तरीके का फ्यूचर चैलेंजेस में किसी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यानी अगर डिसीजन लेने के बाद अगर आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में या फ्यूचर वर्ल्ड में आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़े तो उसमें हमारी सबसे बड़ी हार होगी। उससे अच्छा हम थोड़ा सा समय ज्यादा लेंगे, लेकिन जो भी लीगल एस्पेक्ट होता है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लीगल ओपिनियंस होते हैं, वो सारी चीजें बात करने के बाद आपको फाइनल डिक्लेरेशन देने वाले हैं, फाइनल डिसीजन देने वाले, और आपकी डिग्री भी जल्द से जल्द हम लोग इश्यू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूजीसी ने कहा कि 31 जुलाई के पहले आपको डिग्री दे देना है। तो हम सारे लीगल एस्पेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम मैं आपको अश्योरिटी नहीं देता हूँ कि किसी भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट के ऊपर COVID-19 का थप्पा नहीं लग सकता, क्योंकि कुछ लोग अपने पर्सनल ओपिनियन के लिए, पर्सनल फायदे के लिए इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने देने वाला हूं मैं। और किसी भी तरीके का लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में आपको कंपटीशन से दूर रखा जाए, ऐसा कभी भी होने नहीं दिया जाएगा। जो भी डिसीजन लिया जाएगा विद द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस और लीगल ओपिनियन और कायदे के अंदर ही लेकर दिया जाएगा। जैसा आप सबको पता है अभी का जो सिचुएशन है, यहाँ पर केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर एग्जामिनेशन लेने की हालत बिल्कुल नहीं है। तो आपको अश्योरिटी देते कि जल्द ही उदय सामंत सर यहाँ आएंगे, सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस और लीगल एस्पेक्ट पर बात किया जाएगा, सारे अधिकारियों से मीटिंग की जाएगी, सारे वाइस चांसलर से मीटिंग होगी, राज्यपाल महोदय से मीटिंग होगी, सीएमओ से मीटिंग होगी, और जब सारे लीगल एस्पेक्ट को देखने के बाद फाइनल डिसीजन का सर्कुलर जल्द से जल्द रिलीज किया जाएगा, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के मन में भी यही चीज है कि सर्कुलर कब आने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सर्कुलर रिलीज कर दिया जाएगा, तो आपके मन में जो कन्फ्यूजन वो भी जल्द से जल्द दूर होना चाहिए। इस पूरे लाइव कॉन्फ्रेंस का मराठी सेशन, यानी जो उनका लाइव सेशन था, लाइव कॉन्फ्रेंस था, उसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी दिया हुआ है, या आप जाके वहाँ पर डायरेक्टली वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने उस पूरे कॉन्फ्रेंस की समरी देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।